वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। अपराधी नोमान को पकड़ने आई थी पुलिस, तभी छतों से फायरिंग होने लगी, पत्थर बरसने लगे, पुलिस वालों को मारा गया। इसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए 9 महिलाओं समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा जिले में बुधवार को दबिश देने गई हरियाणा पुलिस पर हमला हुआ। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इनमें एक महिला स्टाफ भी थी। पुलिस पर पथराव और हवाई फायरिंग की गई थी। हमलावरों ने धोखाधड़ी के आरोपी नोमान को कस्टडी से छुड़वा लिया था। अब इस मामले में 18 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों में 9 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने इसमें कुल 34 लोगों को नामजद किया है। पुलिस पर हमले के आरोप में अब तक गिरफ्तार आरोपी के नाम शौकीन, रशीद, आरिश, तारिफ, रिजवान, रोबिन, मुश्ताक और आसिफ है। साथ ही 9 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए डीएसपी ने क्या कहा वो भी सुनिए। ये थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा की घटना है। थाना शेरगढ़ में कल दिनांक 18/5/2022 को हरियाणा पुलिस की टीम के साथ थाना शेरगढ़ की पुलिस संयुक्त रूप से एक अपराधी के घर पे दबिश देने गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम जंघावली थाना शेरगढ़ के कुछ पुरुषों और महिलाओं द्वारा उस पुलिस टीम पर हमलावर होकर के उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंके गए, साथ ही छतों पर चढ़कर हवाई फायरिंग भी की गई। इसकी सूचना पर आसपास से थानों से फोर्स एकत्रित करके उस गांव में दबिश दी गई तथा कुल 18 पुरुष और महिलाओं की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा पुलिस ने ट्वीट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि ओएलएक्स पर ठगी के आरोप में नगला इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव जंघावली में दबिश दी थी। यह ठगी 36,000 रुपए की थी। इसकी शिकायत फरीदाबाद के सेक्टर 31 थाने में की गई थी। दबिश के दौरान नोमान को हिरासत में ले लिया गया था। नोमान के पास चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया गया था। इसी दौरान पुलिस पर हमला कर दिया गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज।